नीचे दिए गए दो स्थिति विवरण से रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए। देखना है, नीचे दिए गए दो स्थिति विवरण से रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ टू ईयर प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। फर्स्ट, समता एवं दायित्व, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। फर्स्ट, अंशधारी कोष, शेयर होल्डर्स फंड। ए, अंश पूंजी, शेयर कैपिटल, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 रुपीज 4,80,000, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 रुपीज 3,75,000। बी, संचय एवं आधिक्य, रिजर्व एंड सरप्लस, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 रुपीज 34,500 एंड 31 मार्च 2017 रुपीज 15,000। सेकेंड, चालू दायित्व, करेंट लाइबिलिटीज, व्यापारिक देयताएं, ट्रेड पेबल, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 रुपीज 67,500 एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 रुपीज 1,05,000। टोटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 रुपीज 5,82,000 एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 रुपीज 4,95,000। सेकेंड, संपत्तियां, एसेट्स। फर्स्ट, गैर चालू संपत्तियां, नॉन करेंट एसेट्स। ए, स्थायी संपत्तियां, फिक्स एसेट्स, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 रुपीज 99,000 एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 रुपीज 75,000। बी, गैर चालू विनियोग, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 रुपीज 93,000 एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 रुपीज 60,000। सेकेंड, चालू संपत्तियां, करेंट एसेट्स। ए, चालू विनियोग, करेंट इन्वेस्टमेंट, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 रुपीज 12,000 एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 रुपीज 15,000। बी, माल सूचियां, स्टॉक, करेंट इन्वेंट्रीज, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 रुपीज 1,35,000 एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 रुपीज 1,20,000। सी, व्यापारिक प्राप्तियां, ट्रेड रिसीवेबल, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 रुपीज 1,72,500 एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 रुपीज 1,80,000। डी, रोकड़ एवं रोकड़ समान, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 रुपीज 70,500 एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 रुपीज 45,000। टोटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 रुपीज 5,82,000 एंड फॉर 2017 रुपीज 4,95,000। इस क्वेश्चन में हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है और इनडायरेक्ट मेथड से बनाना है, जिसमें सबसे पहले हमको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की कैलकुलेशन करनी है। फिर इसमें हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इंक्लूड करेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इंक्लूड करेंगे और फिर उसके बेस पे हम क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए हमको सबसे पहले चाहिए नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर इनकम टैक्स, और अगर नेट प्रॉफिट रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है तो रिजर्व एंड सरप्लस को हम इसका बेस मान लेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रिजर्व एंड सरप्लस 31 मार्च 2017 में 15,000 था और 2018 में 34,500 हो गया, यानी कि दोनों का अगर डिफरेंस हम निकालते हैं तो करेंट ईयर के लिए ये नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर इनकम टैक्स हो जाएगा 19,500।
अब क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं दी गई है, तो हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे और ये जो 19,500 यहाँ पर टोटल बनता है उसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चार्जेस मान लेंगे। इसमें अब हमको रिलेटेड टू करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज जो भी पॉइंट है उसको प्लस या माइनस करना है, और ऐसी कंडीशन में हम इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे कि अगर किसी करंट एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो हम उसको लेस कर देंगे, अगर किसी करंट एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है तो हम उसको ऐड कर देंगे। वैसे ही लाइबिलिटी के लिए हम फॉलो करेंगे, अगर किसी लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो हम उसको ऐड कर देंगे, और अगर किसी लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है तो हम उसको लेस कर देंगे। तो यहाँ पर हम देखें तो हमको पता चल रहा है कि एक जो ट्रेड पेबल हमारे लिए लाइबिलिटी है, और इसकी वैल्यू हम देख रहे हैं कि इस ट्रेड पेबल की जो वैल्यू है ये 2017 में 1,05,000 की थी, जो कि 2018 में डिक्रीज होके 67,500 की हो गई, यानी कि 37,500 इसमें डिक्रीज हुआ है। और क्योंकि ये एक लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो इसको यहाँ पर हम लेस वाले पॉइंट में डालेंगे 37,500। फिर हम यहाँ पर देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, एक जो करेंट इन्वेस्टमेंट है वो हम देख रहे हैं कि 2017 में वो 15,000 का था और 2018 में ये 12,000 का हो गया। करंट इन्वेस्टमेंट हमारे लिए करंट एसेट्स है और करंट एसेट्स की वैल्यू यहाँ पर डिक्रीज हो रही है, ऐसी कंडीशन में जबकि करंट एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है हम उसको यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो ऐड वाले पोर्शन में हम यहाँ पर लिखेंगे डिक्रीज इन करंट इन्वेस्टमेंट ₹3,000। इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर कि एक इन्वेंट्रीज दी गई है, चालू संपत्तियों के अंतर्गत हमको ध्यान देना है कि कौन कौन से करंट एसेट्स इंक्रीज हुए हैं और कौन कौन से करंट एसेट्स डिक्रीज हुए हैं। तो यहाँ हम इन्वेंट्रीज को देख रहे हैं जो कि 2017 में 1,20,000 था और 2018 में ये इंक्रीज होकर 1,35,000 हो गया, यानी कि 15,000 का इंक्रीमेंट है और ये एक करंट एसेट्स है। तो हमने देखा कि करंट एसेट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पर हम उसको लेस कर देंगे, और जितने से इंक्रीज हो रही है केवल उतनी अमाउंट ही लेस करेंगे। तो यहाँ पर हम लेस वाले पोर्शन में लिखेंगे इंक्रीज इन करंट इन्वेंट्रीज ₹15,000। एक पॉइंट यहाँ हम देख रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल से रिलेटेड, ट्रेड रिसीवेबल क्योंकि हमारे लिए करंट एसेट्स है जो कि 2017 में 1,80,000 का था और 2018 में ये 1,72,500 का हो गया, यानी कि इसमें हम देख रहे हैं कि कुछ डिक्रीज हुआ है, 7,500 रुपीज इसमें डिक्रीज हुआ है। और ये ट्रेड रिसीवेबल क्योंकि करंट लाइबिलिटी है और ये ट्रेड रिसीवेबल क्योंकि करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स अगर डिक्रीज हो जाए तो फिर हम उसको ऐड कर देते हैं। तो इस पॉइंट को हम ऐड वाले पोर्शन में लिख देंगे डिक्रीज इन करेंट डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल ₹7,500। और अब हम इन दोनों को मिला के देखते हैं कि कितनी अमाउंट हमको मिल रही है। तो यहाँ पर हम कैश को लॉस में देख रहे हैं कि एक तो हमको लॉस हो रहा है, माइनस के पॉइंट ज्यादा है प्लस के कम है, तो कैश लॉस्ट इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यहाँ पर हम बैलेंस देखेंगे 22,500 का बैलेंस हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब हम यहाँ पे कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कर लें बी पार्ट बी में। तो बी में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दो चीजें हमको यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड दिखाई दे रही हैं। एक तो हमने एक फिक्स एसेट्स परचेस किया हुआ है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक फिक्स एसेट्स 2017 में हमारे पास 75,000 का था और 2018 में इसका बैलेंस 99,000 का हो गया, यानी बढ़ गया। इसका मतलब ये है कि करेंट ईयर में हमने 24,000 की एडिशनल फिक्स एसेट्स परचेस की है, 75,000 माइनस 99,000 यानी 24,000 की एडिशनल फिक्स एसेट्स हमने परचेस की है।
अब क्योंकि हमने फिक्स एसेट्स परचेस किए हैं, यानी कि हम इसको एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मान सकते हैं, यहां हम लिखेंगे परचेस ऑफ फिक्स एसेट्स ₹24,000। उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है जो कि 2017 में 60,000 का था और 2018 में 93,000 का हो गया, यानी यहाँ पर 33,000 इंक्रीज हुआ है। तो हम ये मान लेंगे कि हमने एक इन्वेस्टमेंट भी नया परचेस किया है, तो ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंतर्गत आ जाएगा और 33,000 हम यहाँ लिखेंगे। तो टोटल ये कैश लॉस्ट ऑन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 57,000 हम आउटर कॉलम में लिख। अब हमको चाहिए सी, यानी कि कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमने जो शेयर इशू किया है, शेयर कैपिटल जो कि 31 मार्च 2017 को 375,000 थी, ये 31 मार्च 2018 में 480,000 की हो गई। इसका मतलब है कि करेंट ईयर में ये जो शेयर इशू किए गए वो 105,000 के हैं। अब ये जो कैश जनरेट, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमको जो कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज मिल रहा है वो 105,000 का है। नेट अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो ये हम देख रहे हैं कि नेट कैश जनरेटेड आता है हमारा 25,500, यानी कि हम 105,000 में से अगर 57,000 को माइनस कर दे तो ये हमको नेट कैश जनरेटेड यहाँ पर मिल जाता है 25,500। और अगर कोई कैश या कैश इक्विवेलेंट पॉइंट हमारे पास है दिखाई दे रहा है तो उसको यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं, जैसे कि हमने फॉर्मेट में या वीडियो में भी देखा था। तो यहाँ पर हमको एक पॉइंट लास्ट में दिखाई दे रहा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो कि इंक्रीज हो रहा है, 2017 में 45,000 का था और 2018 में 70,500 का हो गया, यानी कि यहाँ पर हम इसको देख पा रहे हैं कि 45,000 से इंक्रीज हुआ है, जिसको कि हम नेट कैश जनरेटेड में ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास 70,500 का बैलेंस हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो नेट कैश जनरेटेड है उसको हमको कैलकुलेट करना है, तो हम कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में से कैश लॉस जो हो रहा है, लॉस्ट इन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी और कैश लॉस्ट इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये दोनों अमाउंट यानी 22,500 और 57,000, इन दोनों अमाउंट को हम माइनस कर देंगे तो हमको यहाँ पर बैलेंस मिल जाएगा नेट कैश जनरेटेड ₹25,500। आरती लिमिटेड का 31 मार्च 2018 वर्ष का लाभ ₹56,000 था। निम्न जानकारी से संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए। आरती लिमिटेड अ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹56,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। कैलकुलेट कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। पर्टिकुलर्स, स्टॉक इन्वेंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 ₹12,400, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 ₹14,000। व्यापारिक प्राप्तियां ट्रेड रिसीवेबल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 ₹50,000 एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 ₹40,000। पूर्वदत्त किराया प्रीपेड रेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 ₹3,000 and for the year ended 31st March 2017 ₹2,000. Adat Vay, outstanding expenses for the year ended 31st March 2018 ₹3,600 and for the year ended 31st March 2017 ₹4,000. Vyaparik Detaen, trade payables for the year ended 31st March 2018 ₹32,000 and for the year ended 31st March 2017 ₹30,000. इस क्वेश्चन में हमको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनानी है। इनडायरेक्ट मेथड से हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, फॉर्मेट हम वही यूज करेंगे जो कि हमने वीडियो में देखा। यहाँ पर सबसे पहले हमको चाहिए नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर,
और नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर के लिए हमको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से निकाल के दे दिया गया है। 31 मार्च 2018 का जो प्रॉफिट है वो है 56,000, जिसको कि हम आउटर कॉलम में डायरेक्ट लिख देंगे। अब हमको इसमें कुछ चीजें ऐड करनी है और कुछ चीजें लेस करनी है। कॉन्सेप्ट हम वही फॉलो करेंगे यहाँ पर कि अगर किसी करंट एसेट्स की अमाउंट डिक्रीज होती है तो हमको ऐड करना है और लाइबिलिटीज इंक्रीज होती है तो हमको ऐड करना है। दूसरी बात, अगर किसी करंट एसेट्स की अमाउंट इंक्रीज होती है या कोई करंट लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो हमको लेस करना है। इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए हमको इसमें कुछ मदों को ऐड करना है और कुछ को लेस करना है। तो सबसे पहले हम इसको दो भागों में अलग अलग बांट लेते हैं इस पूरे फॉर्मेट को। पहले हम ऊपर ऐड लिख देते हैं और उसके नीचे फिर हम कुछ पॉइंट्स के बाद लेस लिख देते हैं कुछ डिस्टेंस के बाद। अब सीक्वेंस से हम इसमें देखते जाते हैं कि कौन सी मदें ऐड में आएंगी और कौन सी मदें लेस में आएंगी और उसके अकॉर्डिंग हम इसकी एंट्री यहाँ पर करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं स्टॉक एंड इन्वेंट्रीज। स्टॉक जो है वो हमारे लिए करेंट एसेट्स है। करंट एसेट्स एसेट्स की वैल्यू हम देख रहे हैं कि 2017 में स्टॉक था 14,000 का, जो कि 2018 में घटकर डिक्रीज होकर 12,400 का हो गया। तो यहां पर हमको 1600 का डिक्रीज होता हुआ जो स्टॉक है यानी कि करंट एसेट्स है वो दिखाई दे रहा है। और ये हमने देखा कि जब कोई करंट एसेट्स डिक्रीज होता है तो उसको हमको यहाँ पर एड करना है। तो फर्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे पर्टिकुलर में एड डिक्रीज इन करेंट एसेट्स और फर्स्ट पॉइंट आएगा हमारा स्टॉक। तो स्टॉक को हम पहले इनर अमाउंट कॉलम में लिख लेंगे 1600। उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट है जिसमें ट्रेड रिसीवेबल्स दिए गए हैं, तो ये हमको ध्यान में रखना है कि ट्रेड रिसीवेबल जो है वो हमारे लिए करेंट एसेट्स है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि ट्रेड रिसीवेबल 2017 में 40,000 था और 2018 में ये बढ़कर 50,000 हो गया, यानी 10,000 इंक्रीज हो गया है। तो यहाँ क्योंकि ये एक प्रकार की करंट एसेट्स है और करंट एसेट्स की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट ये आएगा लेस कॉलम में। और लेस वाला जो हमने पोर्शन छोड़ रखा है उसमें हम लिखेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स और 10,000 से हम बिल्स रिसीवेबल के अमाउंट इसमें लिख देंगे। थर्ड पॉइंट हम देख रहे हैं प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट यानी पूर्व दत्त किराया, ये हमारे लिए एक प्रकार का एसेट्स है, हमारे लिए करंट एसेट्स है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि करंट एसेट्स की वैल्यू जो है 2017 में ये प्रीपेड रेंट 2000 था और 2018 में ये 3000 हो गया, यानी 1000 से इंक्रीज हुआ है। और जब भी किसी करंट एसेट्स की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती है तो उस कंडीशन में हम इसको लेस कॉलम में लिखते हैं। तो यहाँ पर हम सेकंड पॉइंट डालेंगे प्रीपेड रेंट और 1000 से इसके अमाउंट को हम यहाँ पर इनर कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ देख रहे हैं एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया गया है, अदत्त व्यय दिया गया है। अदत्त यानी कि लाइबिलिटी हमारे लिए दायित्व है और दायित्व का मूल्य यहाँ हम देख रहे हैं कि घट रहा है। 17 में जो 4000 था वो 2018 में 3600 हो गया, यानी कि 400 इसमें डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है उसका जो 400 जो डिक्रीज हो रहा है, हम ये मान रहे हैं यहाँ पे कि डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी है। और उसको हम, क्योंकि जब भी कोई करंट लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो हमको उसको लेस करना होता है यहाँ पे, तो इसको हम यहाँ पर लेस कॉलम में डाल देंगे और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिखकर 400 से हम उसकी एंट्री इनर कॉलम में कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम देख रहे हैं बिल्स पेबल दिया गया है। बिल्स पेबल हमारे लिए एक तरह से लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी की वैल्यू यहाँ हम देख रहे हैं कि 30,000 से 32,000 हो गई, यानी कि इंक्रीज हो रही है। तो इस कंडीशन में जबकि लाइबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसको हम एड कॉलम में डालते हैं। तो हम इसको एड पोर्शन में लिखेंगे इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज और पॉइंट यहाँ पर हम सेकंड डालेंगे बिल्स पेबल लिखेंगे और डिफरेंस की जो अमाउंट है यानी कि इंक्रीमेंट की जो अमाउंट है 2000 वो हम यहाँ पर इनर अमाउंट कॉलम में लिखेंगे 2000। तो अब हमने जो पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए थे उनमें से कुछ पॉइंट जो एड पोर्शन में आए वो हमने लिख लिए इनर अमाउंट कॉलम में, जो लेस में आए वो हमने लिख लिए। अब हम इनके कैलकुलेशन करेंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ऐड वाले पोर्शन में दो पॉइंट आए हैं 1600 और 2000।
इनका टोटल हम आउटर कॉलम में कर लेंगे, यानी 3600 को हम आउटर कॉलम में लिख लिए और फिर हम इसको नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर में ऐड कर दिए, तो ये टोटल अमाउंट हो गई 59600 की। उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो लेस का पोर्शन था उसमें तीन अमाउंट है हमारे पास, 10,000, 1,000 एंड 400, तो टोटल 11,400 को हम आउटर कॉलम में लिख देंगे और ये हमारा बैलेंस आ जाएगा जबकि हम 59,600 में माइनस करेंगे 11,400 को, तो ये बैलेंस हमारा आ जाएगा 48,200। निम्न जानकारी से संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। विवरण, पर्टिकुलर्स, करों के लिए प्रावधान एवं प्रस्तावित लाभांश के पश्चात शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रपोज डिविडेंड ₹22,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। प्रस्तावित लाभांश प्रपोज डिविडेंड ₹10,000, करों के लिए प्रावधान प्रोविजन फॉर टैक्स ₹10,000, ख्याति का परिशोधन या अपलेखन गुडविल एमोर्टाइज ₹8,000, मशीन पर हास डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ₹4,000, यंत्र के विक्रय से हानि लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट ₹2,000, फर्नीचर के विक्रय पर लाभ गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर ₹8,000, आयकर के वापसी रिफंड ऑफ इनकम टैक्स ₹8,000, आयकर का भुगतान इनकम टैक्स पेड ₹10,000। यहाँ पर हमको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए एक फॉर्मेट बनाना है, जिसमें हम जैसे कि हमने फॉर्मेट में देखा, वीडियो में देखा कि सबसे पहले हमको यहाँ चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम। ये जो कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम है, इसके बारे में जो जानकारियां दी गई है उसमें हम देख रहे हैं, इसके बारे में सबसे पहले हमको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम की। और इस फॉर्मेट में हमको सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखना है आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स ये हम देख रहे हैं क्वेश्चन में 22,000 दिया गया है। फॉर्मेट में जैसे कि हमने देखा कि जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम की कैलकुलेशन करते हैं तो इस नेट प्रॉफिट में जो कि आफ्टर प्रोविजन एंड टैक्स है, इसमें हम ऐड कर देते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स और अगर प्रपोज डिविडेंड दिया हुआ है तो यहाँ पर हमको प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है 10,000, प्रपोज डिविडेंड दिया हुआ है 10,000, ये दोनों चीजें हम इसमें ऐड कर दें तो ये हो जाता है 42,000। और इसमें हम लेस कर देते हैं रिफंड ऑफ टैक्स क्रेडिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो कि हमको क्वेश्चन में दिया गया है 8,000। तो ये हमारी जो बैलेंस हमको जो मिलता है 34,000 का, ये आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम। ये हमको बेस मिल गया यहाँ पर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए। सबसे पहले हम पर्टिकुलर में लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम जो कि हमने अभी कैलकुलेट किया है 34,000, और अब हमको इसमें कुछ एडजस्टमेंट करने हैं, यानी कि कुछ प्लस माइनस करना है। तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे एडजस्टमेंट फॉर नॉन कॉस्ट एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। अब इसमें हमको कुछ चीजें ऐड करनी है, तो यहाँ पे हमको हम देख रहे हैं कि यहाँ हमको एक तो गुड्स एमोर्टाइज दिया गया है और इसकी वैल्यू दी गई है 8,000, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी दी गई है, यहाँ पे हम देख रहे हैं लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी दी गई है। तो इस टाइप के जो लॉस वाले जो आइटम होते हैं वो सारे आइटम को हम इसमें ऐड कर देते हैं, और गेन वाले जो आइटम होते हैं उन सारे आइटम को हम इसमें लेस कर देते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमको फॉलो करना है, जैसे कि हमने इसके वर्किंग नोट में देखा, हमने वीडियोस में देखा और फॉर्मेट में भी हमने देखा कि जब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं तो जो हमारे एक्सपेंसेस, जो हमारे लॉसेस टाइप के जो पॉइंट्स होते हैं उनको हम ऐड करना शुरू करेंगे, और जो हमारे गेन वाले जो पॉइंट होते हैं उनको हम यहाँ पर लेस करते हैं।
तो इस क्वेश्चन में तीन चीजें हमको दिखाई दे रही हैं, एक गुड एक गुड्स अमोर्टाइज्ड है और एक डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी है और एक लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी है। ये तीन चीजें हमको लॉस वाली दिखाई दे रही हैं, इन तीनों को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो गुड्स अमोर्टाइज्ड है 8,000, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी है 4,000, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी है 2,000। इन तीनों पॉइंट को हम इनर कॉलम में लिखेंगे और ये जो टोटल हो जाता है जब हम 34,000 यानी कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम 34,000 में इन तीनों पॉइंट्स को ऐड करते हैं तो हमारा टोटल हो जाता है 48,000। और अब इसमें हम लेस कर देंगे गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी यानी कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी जो कि हमको क्वेश्चन में दिया गया 8,000। तो ये जो हमको बैलेंस मिलेगा यानी 48,000 में 8,000 माइनस करने के बाद हमको जो बैलेंस मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चार्ज चेंजेस 40,000। इसमें हमको एक और चीज लेस करनी होती है जैसे कि हमने फॉर्मेट में देखा टैक्स पेड अगर क्वेश्चन में दिया है तो, और यहाँ पर 40,000 में टैक्स पेड 10,000 हम लेस कर देंगे तो बैलेंस अमाउंट हमको मिल जाएगी 30,000। और अगर क्वेश्चन में कहीं रिफंड टैक्स दिया गया है तो उसको हमको यहाँ पर ऐड कर देना होगा। तो यहाँ क्वेश्चन में देख रहे हैं कि रिफंड टैक्स की अमाउंट भी दी गई है 8,000, उसको हम इस 30,000 में ऐड कर देंगे तो हमारी हमारा जो आंसर आएगा 38,000। इसको हम एक तो नेट अमाउंट कॉलम में लिखेंगे और ये हमारा हो जाएगा नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी।